हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गणित में पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुणा भागा लघुत्तम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स इसमें हम पहले पढ़ेंगे एडिशन, इसे हिंदी में हम जोड़ बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका साइन प्लस का होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 3 7, 8 और 6 14। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 और 3 11 का 1 और कैरी 1 जाएगा, हाथ में 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 8, 8 और 9 17, और 1 जो कैरी गया है उसको जोड़ देंगे इसमें तो 18 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया। ऐसे हम जोड़ बनाते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ में 1, 9 और 7 16, और 1 जुड़ जाएगा उसमें तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, कैरी कट जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन, सेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाओ, इसका चिन्ह होता है माइनस का, इसको चिन्ह बोलते हैं, साइन इंग्लिश में साइन और हिंदी में इसको चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 2 1, 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। इस तरीके से घटाव बनाते हैं हम और इस तरीके से जोड़ बनाते हैं। लेकिन जब दोनों को हम एक साथ बनाएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे जोड़ और घटाओ, जोड़ और घटाओ एक साथ। हम जोड़ और घटाओ एक साथ कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, ये छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक आता है। इसमें छोटे क्लास से बड़े क्लास तक इसमें आता है जो जोड़ और घटाव एक साथ करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए +2 और +3, ये दोनों हम प्लस लिए हैं तो ये 3 और 2 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा। लेकिन -2 और +3 लेते हैं तो इसमें देखेंगे कि ये जो बड़ी वाली संख्या है उसका साइन क्या है, तो पहले उसको लिख लेंगे, बड़ी वाली संख्या का साइन, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह को पहले लिख लेते हैं और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, +1 लिखिए या फिर इसको 1 भी लिख सकते हैं हम,
यानी कि प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल हो गया और ये दूसरा एग्जाम्पल, -8 और +5। इसमें देखिए बड़ी वाली संख्या कौन है, इसमें बड़ी वाली संख्या क्या है तो 8 है। 8 का साइन क्या है तो माइनस है, 8 का चिन्ह क्या है तो माइनस है। तो पहला माइनस लिख देंगे, फिर 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, तो -3, 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, -11 और -5 को हम कैसे जोड़ेंगे, -11 और -5। तो देखिए दोनों जगह माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब जैसे प्लस और प्लस मिलके प्लस ही रहता था, तो इसमें जोड़ घटाव में माइनस माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा, लेकिन दोनों जुट जाएगा, 11 और 5 16। इस प्रकार हम जोड़ और घटाव को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, देखिए हमने पढ़ा एडिशन कैसे करते हैं, सिर्फ एडिशन कैसे होगा, उसके बाद पहले सिर्फ सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ, माने जोड़ और घटाव एक साथ कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे।